Right, welcome to the Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj. That's RKB. And of course, you're watching me on Lemon News. जी हाँ, आप मुझे देख रहे हैं Lemon News के ऊपर. और अगर आपको हमसे कुछ कहना है, यानी you need to say something, anything, about anything to us, please do send in your emails on insidestory@lemonnews.com. That's insidestory@lemonnews.com. And of course, you can SMS us on 56767. All you have to do is type out your name, type out the name of the city you're watching us in, and send in your SMSs on 56767. And at the moment with us in the studio, Pradeep is back with us. Of course, yesterday he was AWOL, away without leave. And we also have Professor Iyer with us. Professor Saab, welcome to the show. Namaskar. Professor Saab, aap ye bataein, आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री अब नौवे महीने में चले गए हैं. बिल्कुल. नाउ ही इज बीन प्राइम मिनिस्टर फॉर 9 मंथ्स. 9 महीने हो गए उनको बतौर प्रधानमंत्री के रूप में. आप ये बताएं कि बार बार, भले वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हर एक को ये बोलता है कि 24 घंटे बिजली आएगी दिल्ली में. कोई बोलता है 50% कट होगा, कोई बोलता है 70% कट होगा. नाउ इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल, प्रोफेसर अय्यर? देखिए, क्या है कि बजटरी प्रोविजन के हिसाब से और आज के बिजली के भावों के हिसाब से जी, ये मुझे संभव नहीं लग रहा है कि इतना जोरदार कट होगा जी. लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इनके मैनिफेस्टो को देखना बड़ा जरूरी है, जिसने भी रिलीज किया है. आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में मैं जो सोलर देख रहा हूँ, जो पिच है सोलर की, वो वैसे मोदी साहब की पिच थी गुजरात में जी. सोलर से सौर ऊर्जा लगाएंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, केपेक्स करेंगे कि दिल्ली में 3000 मेगावाट की क्षमता है, तो फिर मैं आपको कह सकता हूं कि इसको फ्री पावर माना जाए. क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए एक टाइम जी, तो मेरे को लगता है कि 30% ऑफ द डे आप जो सौर ऊर्जा अवेलेबल है, एक्चुअली 8 घंटे जो मेन आपके जो डे टाइम में अवेलेबल है, उसमें से 6 घंटे अगर सौर ऊर्जा आ गई. नो, बट हैंग ऑन अ मिनट, तो फर्क पड़ेगा प्रदीप. द फैक्ट रिमेंस दैट एज़ फार एज़ व्हाट प्रोफेसर आर यू सेइंग, ऑफ कोर्स यू नो, लेट्स नॉट गो इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ दिस. आई मीन, बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल होने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन जो बार बार एक बात कही जा रही है, जो मुंबई में भी लागू है, दिल्ली में भी लागू है, हर जगह पे लागू है, जो डिस्कॉम है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी एक तरीके से, पूरी तरह नहीं, और कांग्रेस द्वारा. और जब आप बेचारी कांग्रेस की, तो मतलब कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस जब भी कुछ अपना मुंह खोलती है कुछ करने के लिए, तो हर कोई ये कहता है कि आपने पिछले 15 साल में क्यों नहीं किया. 15 साल तक आपकी सरकार थी, आदरणीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, तब आपने क्यों नहीं किया, ये बार बार कांग्रेस से पूछा जाता है. एंड वंस अगेन लेट मी टेल यू दैट एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, यू कैन सेंड इन योर ईमेल्स ऑन insidestory@lemonnews.com. तो प्रदीप, डिस्कॉम्स का जहां तक प्रश्न है, एंड देयर ऑनेस्टी एंड देयर ट्रांसपेरेंसी, द आम आदमी पार्टी हैड ऑर्डर्ड एन ऑडिट इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द डिस्कॉम्स. नाउ टिल टूडे इट्स बिन द 9th month of the Bharatiya Janata Party's government, and till today the CAG has not even been given the documents. Pradeep. सर, आपको याद होगा 2009 में जब रिलायंस मींस इंक्रीज इन टैरिफ के खिलाफ रिलायंस मुंबई दिल्ली में जो कैंपेन चलाया था आपके माध्यम से, इट वाज अ लेमन कैंपेन व्हिच यू इनिशिएटेड. वी फाउंड आफ्टर टू मच ऑफ रिलक्टेंस द गवर्नमेंट हैड ऑर्डर्ड सर्टेन इंक्वायरीज. उसके बाद ये होगा कि मीटर्स के जांच हो, हर प्रकार के जांच हो, नथिंग रियली ट्रांसपायर्ड आउट ऑफ इट. इनिशियली देयर वाज अ बिग, उसके बाद जिस एनजीओ को दिया, उसके बाद देयर इज नो रिपोर्ट, देयर इज नथिंग टू से दैट समथिंग इज मटेरियलाइज्ड ऑफ इट, बिकॉज द कैंपेन वाज ह्यूज. लोगों के जो इन्वॉल्वमेंट थे, देयर वाज एब्सोल्युटली ह्यूज. छोटे छोटे बस्ती, छोटे छोटे झोपड़पट्टी में 5-5, 10-10 हजार के बिल आ रहे थे. When he just stormed it, it stormed into a big, big campaign on its own, where we found again and one the, big... the only thing which happened over there, if I recall correctly, was that the MERC ordered that you cannot increase the tariff for the next 3 months. But after 6 months, they were allowed to increase the tariff. Professor Iyer, yes, जहाँ तक मतलब जहाँ तक टैरिफ का प्रश्न है, बार 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 जिस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, अब अगर आपको याद होगा, यही डर था. Right. सब लोगों को यही डर था कि जब आप प्राइवेटाइज करेंगे पावर जनरेशन को, जनरेशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को, जब आप प्राइवेटाइज करेंगे, लिहाजा जो भुगतान करना पड़ेगा आम आदमी को, वहां पर सबकी हालत पतली होने वाली है. प्रोफेसर अय्यर, ये तो हुई है. देखिए, आज मुंबई के अंदर भी 9 रुपया डोमेस्टिक टैरिफ है, जहां कंज्यूमर अगर एक बार 350-400 यूनिट के ऊपर चला गया, तो आप 9 रुपया डोमेस्टिक टैरिफ दे रहे हैं सबब में. और ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, सबब में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एमएससीबी. और इसी प्रकार से दिल्ली में सारे डिस्कॉम इसी प्रकार के चार्जेस कर रहे हैं, 7 रुपए से 10 रुपए के बीच में चार्ज है. और सौर ऊर्जा आज आपकी क्षमता में 6 रुपए में सौर ऊर्जा बन रही है,
तो मेरा अभी फिर से वही आर्ग्यूमेंट है कि ये डिस्कॉम में 50% रिबेट देना पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो आप एक शॉर्ट टर्म मेजर है कि एक या दो साल भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप लंबे तौर पे देखना है तो आपको सौर ऊर्जा लगाना है। Now, the only thing over here is, you know, we have a situation over here where in Delhi, as far as the Aam Aadmi Party is concerned, now the Aam Aadmi Party manifesto, it's a 70-point manifesto. Right. 70-point ka manifesto hai, jismein Aam Aadmi Party ne ek cheez ko bada minutely detail mein bataya hai. Bilkul sahi hai. Bharatiya Janata Party ka vision document hai. Right. Manifesto nahi hai. Jismein जो स्टेटहुड की बात थी, पूर्ण राष्ट्र देने की, राज्य देने की जो बात थी वो नहीं है। right. साथ में प्रदीप जी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, उनको इमिग्रेंट बताया गया है। ना आई डोंट अंडरस्टैंड द बीजेपी, व्हाई आर दे मेकिंग वन ब्लंडर आफ्टर द अदर? आई यू नो इट मे नॉट अमाउंट टू वेरी मच, यू नो व्हेन द रिजल्ट्स कम इन, आफ्टर ऑल देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द मोदी मैजिक जस्ट माइट वर्क। आई एम नॉट सो श्योर, आई एम स्टिल नॉट सो श्योर, बट why is the BJP making so many blunders? 15 ministers, 120 MPs, God knows how many chief ministers, how many workers. You know, for every constituency in Delhi, there are 7 parliamentary constituencies in Delhi. You have 2 ministers per constituencies, and can you imagine the number of 16 MPs per constituency? Who you know that are campaigning against one man? There's Arvind Kejriwal, Pradeep. सर, फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर यू लेव द पावर कंपनीज, आप कहते हैं सोलर ऊर्जा तो एक दिन में तो आ नहीं सकता, इट विल टेक सम टाइम, इट्स गोइंग टू बी अ प्रोसेस ओवर द ईयर। द ओनली थिंग इज सब्सिडी देना, सब्सिडी देने के लिए गवर्नमेंट हैज टू पे इन एडवांस एज पर द एंटायर प्रोसेस इज इन्वॉल्वड। एंड सेकंड थिंग, जहां सोलर को पुश करने वाली बात है, मेनी ऑफ द स्टेट्स हैव नॉट, यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र इटसेल्फ, आज के तारीख में आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव सोलर पॉलिसी है ही नहीं। बिल्कुल, बिकॉज आर द पॉइंट इज, आर द पावर कंपनीज इन्फ्लुएंस द स्टेट गवर्नमेंट्स? Are the power companies so much powerful that they influence the governments at all in the center and state that you don't have a comprehensive policy about solar rooftop panels and all this? This is all in the books. Aaj ke tarikh mein jo budgetary ka the BJP spokesperson talking to you that har farmer ko pure Maharashtra mein hum solar pump dene wale hai. You got the entire rooftops across all cities. You don't have a solar policy. Now the point is, even after Devendra Fadnavis, aur yahan pe Pradeep ji, मुझे बड़ा अचंबा हुआ, बड़ा ताज्जुब हुआ, एक तरफ बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज अपने भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया। अपने भाषण में आज उन्होंने याद किया लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। आज की तारीख में जैसे किशोर तिवारी जी बार बार हमारे सामने ये तथ्य रखते हैं कि तकरीबन हर रोज 4 या 5 या 6 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं, और ये NDA 2 वास्तविकता में UPA 3 बन चुका है। बिल्कुल सही, आज तक इन्होंने किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसानों की तरफ देखा नहीं है, और जो विदर्भ में इस वक्त चल रहा है, मराठवाड़ा में इस वक्त चल रहा है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में इस वक्त चल रहा है, आज की तारीख में एक अग्रेरियन क्राइसिस जो हिंदुस्तान में इतनी बड़ी लेवल पर चल रहा है। प्लीज रिमेंबर, मोर देन 4,000 फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड इन 2014, राइट? 4,000, विच इज मोर देन ऑल द पीपल हु हैव डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स, नक्सलाइट इंसिडेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक्स और एक्सीडेंट्स। सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। आप किसानों के नाम पर कब तक इस प्रकार लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? प्रोफेसर अय्यर साहब, देखिए, मेरा यह कहना है कि यह सरकार केवल 30 और 31 उद्योगपतियों के साथ घूम रही है, और यह मुझे पसंद नहीं आ रहा है। इनफैक्ट व्हाट इज हैपनिंग इज, इट इज बिकमिंग अ क्लब ऑफ द रिच एंड द न्यू रिच। जी, इट इज नॉट इवन लुकिंग बियॉन्ड दोस 30 बिजनेसमैन, द टॉप बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री, एज इफ दे हैव द सॉल्यूशन फॉर द एंटायर थिंग। And I'm completely disappointed by this approach of the Modi government, at least for the last 3 to 4 months I'm watching this. I think ये जो farmers and जो जितने fringe लोग हैं, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, कैसे होगा अगर आप सबका साथ सबका विकास में farmers और middle class को नहीं लेंगे? मध्यवर्ती वर्ग और किसान, ये हमारे सबसे बड़े तबके हैं, आप इनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। और आप तो कह रहे suicide, इसका मतलब वो इतना dejected हो गया है कि पहले से ज्यादा सुसाइड इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चेंज के लिए वोट किया उसने, आपको उसने भी वोट दिया होगा जी। आज वो इतना परेशान है कि उसको लगा कि ये वोट होने के बाद भी अब तो खत्म है, मतलब ही हैज लॉस्ट ऑल होप, ही और शी इज कमिटिंग सुसाइड बिकॉज दे हैव लॉस्ट कंप्लीटली लॉस्ट होप इन फ्यू मंथ्स। दे थॉट मोदी गवर्नमेंट विल कम, अच्छे दिन कब आएंगे हम सब पूछ रहे हैं, और वो बेचारे पूछ भी नहीं पा रहे हैं, वो मरे जा रहे हैं। ये देश की विडंबना नहीं, ये देश के लिए एक श्राप है, अभिशाप है ये।
And which is the sad part, Pradeep, the fact remains that as far as, very seriously speaking, the fact remains that as far as the Modi government is concerned, all of us had high hopes from the Modi government. All right, you know, you had great summits, after you have BRICS summit, mein aap gaye, aap Japan gaye, aap matlab US mein gaye, US president yahan par aaye, abhi China ke saath aapki baatcheet ho rahi hai, Chinese premier bhi yahan par aaye. Mera ye kehna hai ki aakhirkar uska end result kya hai? Aaj ki tarik mein, there's nothing on the ground. Zameen par aaj ki tarik mein kuch nahi hai. It is all right for Mr. Modi to say that, hey, listen, vote for me. आप लोगों ने मुझे भरोसा दिया, मैं सूद समेत आपको वापस दूंगा. ऐसा वो बार बार कह रहे हैं. ये लाइन जो है, मुझे लगता है थकी हुई लाइन हो गई है कि इतनी बार वो बोल चुके हैं, इतनी बार वो बोल चुके हैं, इतनी बार वो बोल चुके हैं, लेकिन आखिरकार वो कब देंगे? 9 महीने हो गए सरकार को, जमीन पर क्या है? आफ्टर ऑल आवर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली, आवर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस मिस सीतारामन, दे आर ऑल इन्वॉल्व इन द दिल्ली इलेक्शंस. They are all involved in only asking the Aam Aadmi Party 5 questions a day. When will they start to prepare for the budget? When will Mr. Arun Jaitley start working on the finance bill? Pradeep. Sir, a bahut badi cheez hai ki if you see from last April to November, there's been a 22% increase in the FDI. Probably the sentiments of Modi earlier has worked for the country and the people outside feel this favorable atmosphere. Isliye without doing anything, only Bhashanbaji mein 22% FDI already aa chuka desh. Increase in the FDI. Second thing, as Professor Ayo was saying, the concentration of economic power in the hands of but few. But that is because, Pradeep, that is because a positive atmosphere has been created by Mr. Modi. And that is also because, as a lot of analysts say, and I believe it, that because of the policy paralysis of the last 4.5 years, Mr. Modi came in like a breath of fresh air. Yes. Everybody said, hey, listen, this is the guy for us. He is going to do something. Now we are still waiting for him to do something. But he's saying all the right things, but why is he not doing them? That's what I want to know. I think there has to be a coordination between the center and the state. The center wants FDI to come, but which states it is going to come, unko changes karna padega apne policy decisions and policy making from yesteryears which they were following. Like in Maharashtra, Devendra Fadnavis ji ka CRZ violations humne ease out kiye, relaxations kiye. हर प्रपोजल एक महीने के अंदर आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अप्रूवल देना पड़ेगा. But which projects? Now the point is, which projects on the ground have taken off? All right, आपने CRZ2 को आपने रिपील कर दिया, चलो ठीक है, हो गया. लेकिन उसके बाद where are the projects? Number one, and please mind you over here, Pradeep and Professor Iyer, I put it across to you, even as far as Mumbai is concerned or Maharashtra is concerned, itne zyada projects aapke standstill pe hain pichle 5 saal se, and people have lost so much of money on them that they are afraid to start something new. It's becoming totally unfeasible. It's becoming totally unfeasible for them. But the main thing is, even if they take a center state mein ek prakar ke talmel hoye, or you know, they find make policy decisions, but to implement the same policy decision, like in Maharashtra, Mumbai, jaise kaha ki ek mahine ke andar policy changes hona chahiye, aapko approval karna padega, but we find abhi tak wo it has not been affected on ground. आज मैं बहुत सारे उद्योगपति बिल्डर से इसे मीटिंग में करता हूं, बोला कि ये अभी तक ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ नहीं है. नहीं, मैं इसमें तो कब इंप्लीमेंट होगा? एंड द सेकंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू. दैट इज द मोस्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. हाउ डज मोदी पुट इट डाउन इन सच अ वे दैट इट गोज डाउन डिसेंट्रलाइज्ड मैनर टू द मोस्ट पुअरेस्ट पीपल? Let me tell you, it will not happen. Let me tell you, it will not happen as long as he is surrounded by these 31 odd people or 32 odd people. It is not going to happen because nothing percolates. In fact, if there is going to be any change, it is going to be from the ground up. It won't be from the top down. I agree with you in toto. I want to just interject and say one point on the FDI coming back. See, this 22% rise of FDI is completely a farce. It is not true. I will explain to you why. When UPA left, let us remember, it was already close to $300 billion. Our foreign exchange reserves were 300. And that claim of $50 billion more reserves is completely farce, because we have only reached about $325 billion in foreign reserves. Now, when I'm giving this hard fact and figures, why this $325 billion came? मतलब $25 billion क्यों आया? इसका कारण करता simple है कि आपके international crude prices जो गिरे, वो बजाज साहब भी मानेंगे $105 पे थे जब मोदी साहब आए थे, और इस वक्त $45 पे हैं. So basically, it is this crude price fall. And the international market has suddenly favored India, and that is why there is a FDI. So fine, Modi has created a good climate, but we cannot say that purely because he has created a good climate has moved in. No, that but the other thing also is that your foreign exchange reserves have gone up because you are spending less on oil. Exactly. Because you are spending less on exactly, oil. Exactly. So, and then second point, let us come to the fact. Come to the electricity fact. Yes. Since May 2014, at that time, we had 250 gigawatt of power.
Now it is only 255 gigawatt. That means 5,500 megawatt is the capacity addition. Now 5,500 megawatt from May till now. That means in the 9 months, we have only added 5,500 megawatt. That means another 3 months, if we go by that formula, we will be less than 10,000 megawatt. And right. Remember, in the last financial year, and I am not taking financial year, I am taking June 2014 to 13 to May 2014. We have added 25 gigawatt, please watch that, when there was zero governance, yet we added capacity. So will Modi government be able to explain to me why it happened? There was a good power secretary whom I rewarded. And I want to also tell you one more thing, solar. We talked about policy. Yes. On 6th, I am doing a renewable purchase obligation summit. 100 gigawatt of Modi will never come without purchase obligation. And I am telling you the biggest houses which are violating the purchase obligation are the DISCOMs. The distribution companies are not buying renewable energy. And not only that, where is Reliance in renewable energy? Where are the Birlas in renewable energy? They have not committed at all to renewable energy. So we bringing Obama for commitment of renewables is of no point. And Obama also finally went and committed absolutely $2 billion, which is 12,000 crores. Modi's plan of 100 gigawatt need 7 lakh crores to be invested. Yes. So what has Obama done? Obama is absolutely disappointed him by giving only $2 billion, which is only 12,000 crores. And we and everybody is applauding Mr. Obama's largesse. No, this not, same Obama. Largesse, it's a joke. This same Obama. $2 billion is concerned. This same Obama, whom Modi calls Barack, yes, was the person who stalled the visa for him. It was Hillary Clinton who always said they should not go that way. It was not Obama who was favoring Modi to be given a visa, and Modi was a constitutionally I would say elected chief minister of India, and he was denied a visa by the same man. That's right. But the other thing is what you mentioned, Professor Iyer, is that in terms of electricity, in terms of power, please remember, as far as all of us are concerned, as far as the entire country is concerned, we are completely and totally dependent upon power. Unless and until there is power generation, there can be no growth. Let's be very clear. Absolutely. At the end of the day, how do you fuel growth? You fuel growth only if you have enough power infrastructure already ready. Correct. Now, Pradeep, as far as power infrastructure is concerned, I don't see any credible plan coming in from the government. Aaj ki tarikh mein sarkar ki taraf se koi bhi thos kadam nahi uthaye gaye ke power infrastructure ko aap ekdam increase kijiye. After all, as far as your 123 civil nuclear deal is concerned, you know, it has been operationalized way back in 2008. Up till now, we still don't have details of the civil nuclear agreement which have taken place between the corporates and the Indian corporate sector, or absolutely, between the public sector and the corporates and the American corporates. Aaj tak uske details hamne nahi aaye hain. Pradeep. Sir, definitely 2009 se aap jis prakar se dekhoge, there was negative growth. The growth had totally told it down because policy paralysis, the bureaucratic mess, they were totally afraid to take decisions. We had the NGOs dominating. We had an instable government. But aaj ke tarikh mein stable government hone ke bawajood bhi, we find policy paralysis in definitely everywhere. Nothing really has changed. You talk about $300 billion coming. We talk about funds coming into the country. But as you say, we don't have a comprehensive policy for any thing that is renewable. We just talked about how solar things were not. In Maharashtra, states like Maharashtra, there's no policy at all. We found the power companies influencing the state government department. You know what's going to happen? The cooperative sector being one of the most important sector in Maharashtra and places of Uttar Pradesh. Now, Pradeep, at the moment, and Professor, at the moment, I don't know how you guys are going to react to this. The election in Delhi and the results of the election in Delhi are going to determine which way this country is going to go. Aakhirkar, ye Delhi ki jo election hai, ye 15 mantri, 120 members of parliament, और ना जाने कितने वर्कर, ना जाने कितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, सब लोग आज की तारीख में अपनी पूरी शक्ति इसलिए लगाए हुए हैं, उन्होंने इतना अपने आप को इसलिए झोंक दिया है इसमें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई किसी भी तरीके से कहीं दिल्ली ना हार जाएं हम लोग. क्योंकि अगर आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली हार जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बाकी देश में कुछ और करना. लेकिन मेरा सोचना जरा अलग है. आई डोंट नो हाउ यू गाइस विल रिएक्ट टू दिस. मेरा सोचना यह है, नरेंद्र मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री अपने विकास के एजेंडा पर तभी वापस आएंगे अगर वो दिल्ली हारते हैं. दैट शॉक टू द सिस्टम इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. दैट ऑफ कोर्स इज माय ओपिनियन. आई डोंट नो हाउ यू गाइस रिएक्ट टू दैट. प्रोफेसर, आई वुड कंप्लीटली सेकंड व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज़ व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इज वन ऑफ द थिंग इज द फ्रिंज प्लेयर्स बिकेम वेरी एक्टिव, एंड दिस वाज नॉट इवन हैपनिंग इन द वाजपेयी रेजिम.
इन वाजपेयी रेजिम द फ्रिंज प्लेयर्स जी की अटल अटल जी की बात अलग थी, अटल जी के साथ इन लोगों की तुलना करना मुझे नहीं लगता बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रश्न है, उस वक्त कोई साक्षी महाराज या कोई साध्वी किसकी हिम्मत नहीं थी या कोई योगी आदित्यनाथ इस किस्म की भाषा का, इस किस्म की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और दूसरी चीज, अटल जी ने आज तक इस किस्म की भाषा नहीं कही है। बिल्कुल सही कहा, ये भगोड़ा रात की रात का अंधेरा, काली रात, काला धन, ये अटल जी की भाषा नहीं है, माफ कीजिएगा। और दूसरी चीज, आज के प्रधानमंत्री जो हैं, सो आज के प्रधानमंत्री हैं, उसके बारे में ये भाई देखिए, अल्टीमेटली सरकार आपको वही मिलती है जो के आप डिजर्व करते हैं, अल्टीमेटली यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। प्रोफेसर अय्यर, सॉरी टू इंटरप्ट, नहीं मुझे तो एक ही चीज कहना है, वाजपेयी साहब का मैंने इसलिए नाम लिया कि वो पूर्ण रूप से गठबंधन सरकार 25 पार्टी के ऊपर उनके साथ थी जी। उसके बाद भी इस तरह की गंदगी, इस तरह की लो लेवल की पॉलिटिक्स देखी नहीं गई उनके सामने, उनका स्टेचर देखिए। और यहां पर मोदी साहब पूरे मेजोरिटी से आए हैं, उसके बाद रोज ये लोग बोल रहे हैं और एक शब्द नहीं निकल रहा मोदी साहब के मुंह से पब्लिक में इनके खिलाफ। ये विडंबना है। आई थिंक परहैप्स इफ द भारतीय जनता पार्टी लूजेस दिल्ली, मिस्टर मोदी विल बी एबल टू फोर्स एवरीबॉडी टू फॉलो हिज एजेंडा। नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का एजेंडा है, मुझे लगता है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी वापस तभी आएगी जब वो दिल्ली हारती है। याद रखें, विकास का फॉर्मूला मोदी जी का था, इन लोगों का नहीं था। जो हिंदुत्व का फॉर्मूला है, सो कॉल्ड हिंदुत्व का फॉर्मूला आज की तारीख में जो लोग अपना रहे हैं, मुझे लगता है वो इन सब लोगों को भूलना पड़ेगा। लेकिन प्रदीप, आप ये बताएं, आम आदमी पार्टी के 2 करोड़, एक छोटी सी छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, And I am relating this to the rest of the developmental agenda. आम आदमी पार्टी के 2 करोड़, यानी 4 चेक उनको मिले 50-50 लाख के, ठीक है साहब। अब उनका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि उनकी वेबसाइट पे वो रात के 12 बजे आता है। इट इज नॉट एज इफ के रात के 12 बजे उनको मिले, क्योंकि रात के 12 बजे कौन सा बैंक काम करता है मुझे तो मालूम नहीं है। क्योंकि रात के अंधेरे में, घनघोर अंधेरा, काली रात, काला धन, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज फार एज आई नो आपकी जो चेक ट्रांजैक्शन होती है, मतलब 2 बजे करीब बंद हो जाती है या 4:30 बजे के बाद आरटीजीएस नहीं होता है, फिर यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे 9 o'clock। नाउ ये है 2 करोड़, और यहां पर इसके कंपैरिजन में प्रदीप जी जरा ध्यान दें, 75% जो फंड्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, दे कम फ्रॉम अननोन सोर्सेस, अनडिक्लेयर्ड, किसी को मालूम नहीं कहां से आए। क्यों? क्योंकि 20-20 हजार के उन्होंने कूपन भेजे हैं, और 2004, 2005 और 2011 के बीच में, यानी इन 6 के 7 सालों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी ने 952 करोड़ 952.5 करोड़ रिसीव किए हैं फ्रॉम अननोन सोर्सेस। राइट। तो कांग्रेस हैज रिसीव्ड 1,951 करोड़। राइट। और इस विषय के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। राइट। प्रॉब्ली आम आदमी पार्टी के 2 करोड़, कांग्रेस के 1,951 करोड़ और इनके 952 करोड़। प्रदीप जी, सर प्रॉब्ली द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स जो केजरीवाल खुद बनाए हैं, उसी के वो विक्टिम बन चुके हैं। राइट। बात यह है कि 2 करोड़ आया, आई थिंक दैट्स नॉट, दैट इज लीस्टली मटेरियल। द पॉइंट इज, आए तो आपने रिसीव कैसे किया, और आपने इसका इन्वेस्टिगेशन किया किस प्रकार से आए, उसका बोगस हाउ कैन ही इन्वेस्टिगेट दैट, आई वुड लव टू नो। अरे भाई, चेक से पैसा आया है भाई, किसी और ने दिया वो कर ले। एक मिनट, चेक से पैसा आया, उसका CIN नंबर यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो उनके पास है, बिल्कुल पैन नंबर उनके पास है, एक एक आइडेंटिफिकेशन उनके पास है, चेक से पैसा आया है, और उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लगा दिया कि भाई ये चेक से पैसा आया है, ये इनका पैन नंबर है, ये इनका CIN नंबर है। अब इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी को बताओ, ओनली एज अ पार्टी नॉट एज गवर्नमेंट, उनके पास क्या इतने साधन हैं ये देखने के लिए कि ये जो 50 लाख रुपए जो आ रहे हैं या 1 करोड़ जो आ रहा है, ये असल में कौन दे रहा है, ये किसकी बैलेंस शीट है, ये कौन सा कॉर्पोरेट है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। आखिरकार अगर कोई भी शख्स या कोई भी एंटिटी वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगी तो वो सिर्फ वही काम करेगी और कोई काम नहीं कर पाती, कोई और काम नहीं कर पाएगी। ये तो सरकार का काम है। अगर सरकार को लगता है कि ये चारों की चारों एंटिटी जो अब मालूम पड़ा है तो ये फर्जी एंटिटीज हैं, तो इनके पीछे कौन है, तो उनके पीछे कौन है, दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। Now, at the moment with us, we've got our very old friend, Dr. Udit Raj, at the moment with the Bharatiya Janata Party. Dr. Udit Raj, very good evening to you. Very good evening. Very good Rajiv evening. Rajiv Bajaj here, RKB here. From Yeah, you have been my friend. Yes, course. How are you, sir? How are you?
आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बट आर यू हैप्पी इन द बीजेपी? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. सर्टेनली. वंडरफुल. सो कुड यू टेल अस सर, व्हाई आर यू हैप्पी इन द बीजेपी? आई हैव गॉट द स्पेस टू वर्क फॉर द पीपल, सर्व द पीपल फॉर होम आई वाज स्ट्रगलिंग. राइट. अच्छा डॉक्टर उदित राज, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आज विजन डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी का प्रकाशित किया गया दिल्ली के लिए, जिसमें आदरणीय अजय माकन जी आपके भी मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि पेज नंबर 14 पर भारतीय जनता पार्टी यानी आप जो आपकी पार्टी है उसने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इमिग्रेंट बताया है. नाउ इज दैट अ प्रिंटिंग एरर, इज दैट अ टेक्निकल एरर, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर सर? डॉक्टर उदित राज, I would not be knowing because today I was convener of the rally, which was addressed by honorable Prime Minister. At Rohini. So I will have to look at, yes, of so, course. So we must congratulate you then. So you deserve our congratulations for the successful rally of the Prime Minister. Wonderful. So what is the mood in Delhi, the Dr. Udit Raj, after the Prime Minister's final rally, sir? Yeah. The mood is to bring back BJP government in Delhi. Yes. That is the mood, that is a prominent mood which is around. Right. So after 16 years, after 16 years, the Bharatiya Janata Party government will come back to Delhi according to you? Yes, of course, according to you. Dr. Udit Raj, what about the opinion polls which have been published today in the Economic Times and the Hindustan Times, which show the Aam Aadmi Party ahead of you? See, what happened? These opinion polls did not work during Lok Sabha election. Right. No opinion poll showed us more than 225-30 seats. Maximum was 240. Yes. Our tally reached to 282. Yes. So what opinion polls say? Right. That has been already seen in the past. Yes. So it's not that it, what they say is a Bible. Dr. Udit Raj, one final question to you, sir. Yeah. The Aam Aadmi Party's main support comes from the scheduled castes. It comes from all the Balmiki colonies. It comes from the slums. Have you been able to make a dent over there, Dr. Udit Raj? Certainly. And in large number, they voted to BJP in election. In the Lok Sabha election. But haven't things changed in the last 9 months, sir? In the last 9 months, the Bharatiya Janata Party has been in power. This is the 9th month running. There are a lot of complaints to the effect that perhaps, whereas the mood is very good, everybody is making all the right noises. What about the action on the ground, Dr. Udit Raj? Action on the ground has been very good. In fact, today also, Prime Minister has mentioned those that, of course, the banks were very far away from commoners in India. Yes. Now banks have reached to them, that is through Jandhan Yojana. Ji. And of course, Adarsh Gram, Jandhan Yojana, and the prices of oil have come down. And growth has also taken up as compared to the past. So overall, scenario of economy and law and order, we find that it's much better what we had promised to the people of the country, that we will bring good days. Ji. And now, अच्छे दिन आ रहे हैं. डॉक्टर उदित राज, आखिरी सवाल आपसे, आपके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आने वाली हैं इस चुनाव में? हम देखो 45, 50, 50 के नीचे तो नहीं आना चाहिए. 50 के नीचे नहीं आना चाहिए, क्या बात है जनाब. चलिए, all the very best to you. We will speak thank to you on the day of the result. Dr. Udit Raj, thank you so much for talking to us. Thank you so much. There is our very old friend, Dr. Udit Raj, at one time a committed opponent of the BJP. Now, of course, he is a Bharatiya Janata Party member of parliament. Yahan par, now, what we were discussing was that as far as the Prime Minister's concerned, notwithstanding anything that Dr. Udit Raj might be saying or any of the other Bharatiya Janata Party MPs might be saying, the fact remains that as far as the action on the ground is concerned, you have increased the price of electricity twice in Delhi. As far as law and order in Delhi is concerned, or law and order anywhere else is concerned, it is a neither here nor there situation. And number three, most importantly, in terms of growth, in terms of actual growth, in terms of employment, in terms of industrialization, in terms of providing jobs,
Where is the plan? Do you see a plan, Pradeep? Sir, if you see the first speech of Modi ke the when he began the Delhi campaign, that was lackluster. It never connected with the common man. It never connected with the Delhi AIs. Delhi ke rehne wale logon ke sath connect nahi hua tha. But gradually, you see that things are catching up. He has really started catching up where AAP was. पहले हम लोग first speech के दौरान हम चर्चा कर रहे थे कि AAP was well ahead. Yeah. The BJP had no plans at all. It has no plans of connecting the people. क्या है plan दिल्ली का कुछ नहीं था. आज vision document है उसके बाद जो कुछ दिनों में हम देख रहे थे, they were connecting with the people, connecting with the problems of Delhi, connecting with Yamuna, connecting with the river. Say how important the river is. They're talking about fast track codes. They're talking about security in buses, installation of CCTV cameras. एक एक चीज जो अभी लगातार लेके आ रहे हैं एंड फॉरगेट नॉट द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स, इट हैज टेकन द पल्स ऑफ द पीपल. भले वो एडवर्टाइजमेंट्स कॉन्ट्रोवर्शियल रहा हूं केजरीवाल के यू नो बिलिटिंग केजरीवाल और बिलिटिंग अन्ना हजारे, बट नाउ आई डोंट वांट टू स्टॉप. जस्ट हैंग ऑन अ मिनट, वी हैव गॉट प्रदीप जैन साहब फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी. प्रदीप जैन जी नमस्कार. हाँ नमस्कार. राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ, आरकेबी बोल रहा हूँ, इनसाइड स्टोरी फ्रॉम लेमन न्यूज से. जनाब भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे सर? मुंगेरी लाल के हसीन सपने जी, इस देश के सबसे बड़े प्रवचनकार जो आज प्रधानमंत्री बन गए जी, उन्होंने एक 8 महीने से दिखाने का जो सिलसिला शुरू किया था जी, वही उसकी पुनरावृत्ति उन्होंने दिल्ली के विजन डॉक्यूमेंट में की, जो दिल्ली के लिए उन्होंने पहले कहा था कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे जी, वो उन्होंने उसको अलग कर दिया जी. और कोई भी ऐसी चीज जिससे दिल्ली का जो इंटरनेशनली जो मॉडल था जिसको कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित ने बनाया था जी, उसके समकक्ष कोई भी बात नहीं कही. कोई बात नहीं कही कि मेट्रो कहां से कहां पहुंचाएंगे, कोई बात नहीं कही ट्रैफिक के लिए, कोई बात जॉब के लिए नहीं कही, एक केवल सपनों का पिटारा है जी. लेकिन क्या इस बार, आपसे ये जानना चाह रहा हूं, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं प्रदीप जैन जी, क्या इस बार लोगों को ये प्रभावित कर पाएगा? क्योंकि लोग वही भाषण जो है, मैं हम ही वही स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे कि यही भाषण हम लोग पिछले 9 महीने से सुन रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली कोई प्रभाव भारतीय जनमानस के ऊपर इनका नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि इस देश के अंदर प्रवचन देने की परंपरा जी अनादिकाल से है जी, और मन वचन कर्म से जो प्रवचनकार हैं वो अपने ऊपर भी आत्मसात नहीं करते हैं जी. ये उन्होंने जो भी बात कही, जहाँ अपने आप को ये गरीब परिवार का कहते हैं, गरीबी की बात करते हैं, वही 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं जी, एक बार जो कपड़े ये पहनते हैं वो जीवन में दूसरी बार नहीं पहनते. क्या बात है. अपने आप को चाय वाले के रूप में प्रचारित करके जो इन्हें बटोरना था वो बटोर लिया जी. आज ये जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री के पद के अनुरूप नहीं है. लेकिन प्रदीप जैन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक मिनट, आप कांग्रेस के हैं, हम सब ने कांग्रेस को देखा है किस प्रकार कांग्रेस ने काम किया है. 15 बरस तक शीला दीक्षित जी की सरकार थी दिल्ली में जी. उसके अलावा जहां तक के कांग्रेस के इतिहास का प्रश्न है, उसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, सारी दुनिया को मालूम है कि कांग्रेस क्या है क्या नहीं है. अब बार बार प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि मां और बेटे की सभा को तो आजकल मीडिया भी कोई अहमियत नहीं देता, ये मां और बेटे की सभा कहना, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी के मुंह से आना क्या उनको शोभा देता है? इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? प्रदीप जैन जी बताएं. नहीं, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा इन्होंने हर समय गिराई है. हम उस चीज को अगर गौर से देखें, जिस समय चाइना के प्रेसिडेंट आए थे जी, और उस समय उनकी पत्नी झूला झूल रही थी जी, कभी देश का 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश का प्रतिनिधि आए और उसकी पत्नी झूला झूले और खड़े होके उसको देखे जी, किस तरह प्रोटोकॉल तोड़ के ये अमेरिका गए, 3 दिन बाद इनसे वहां के बराक ओबामा मिले जी, और ये 3 दिन में 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरा समय उनको देते हैं और जाते समय वो एक नसीहत दे के जाते हैं
कि नहीं ये करना चाहिए कि सांप्रदायिक स्वरूप कायम रखना चाहिए जी। जिस तरह से इन्होंने पद की गरिमा का हनन किया है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से जिस तरह से ये मजमा लगाकर प्रवचन देने की परंपरा है उससे देश के युवा को कोई भी चीज हाथ में नहीं लगी। श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माँ बेटा कहना जी। उसके पहले इन्हें अपने ऊपर और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के ऊपर भी बोलना चाहिए कि हम भी चंगू मंगू हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, आज जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं और जिस प्रकार का विश्लेषण है और ग्राउंड पर जो विश्लेषण है उससे तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस आज की तारीख में कंपटीशन में नहीं है। ऐसा क्यों है प्रदीप जैन जी? निश्चित रूप से एक बदलाव की स्थिति है, लेकिन मैं ये बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की पूरक है और एक दूसरे की बी टीम है। जो वोटर है उस वोटर ने दिल्ली का विकास देखा है जी। उसने देखा है किस तरह श्रीमती शीला दीक्षित ने वो ट्रैफिक की समस्या, ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज, वो मेट्रो जिसकी परिकल्पना कोई नहीं कर सकता था उसको दिल्ली में पहुंचाया, किस तरह दिल्ली के अंदर अपराध विहीन स्थिति कायम की। आज अगर हम देखें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस समय निर्भया कांड के समय मोमबत्ती की बात करते थे, आज 3 गुना अपराध महिलाओं का बढ़ा हुआ है दिल्ली में। आज जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं दिल्ली में, आज जिस तरह से लोग परेशान हैं, और जो गिरजाघरों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, आज तक कभी दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ है कि चर्च के ऊपर कभी हमला हुआ हो। मुझे याद नहीं आता कि चर्च के ऊपर कभी हमला हुआ हो। बिल्कुल, चर्च पर हमले होना, दंगे होना, ये सब इनका असली स्वरूप है। इनकी पार्टी के लोग महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन बताते हैं, वो कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो, इनकी साध्वी कहते हैं 10 बच्चे पैदा करो, इनके सांसद सलाह देते हैं। एक तरफ जहां पूरे देश के अंदर परवान नियोजन का अभियान भारत सरकार चला रही, वहीं इनके सांसद और इनसे संबंधित लोग 10 बच्चे और 5 बच्चे और 8 बच्चे की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो बच्चे हैं उनके हाथ में तो काम नहीं है जी। उनको तो झुंझुना पकड़ा दिया और नए बच्चे पैदा करने का दबाव डाल रहे हैं। निश्चित रूप से ये सरकार पूरी तरह से, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रदीप जैन जी, मेरा मकसद ये था आपसे ये सवाल पूछने का, जब प्रधानमंत्री जी माँ बेटे की सभा की बात करते हैं, माँ बेटे का रेफरेंस देते हैं सोनिया जी और राहुल जी को लेकर के, तब जो कांग्रेस का रवैया है वो ज्यादा आक्रामक क्यों नहीं होता? मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक मिनट मेरी जरा बात सुन लीजिए। मैंने वो वक्त भी देखा है जब इंदिरा जी के बारे में अगर कोई कुछ कहता था, संजय गांधी के बारे में कोई कुछ कहता था, तो हमने वो वक्त भी देखा है कि किस प्रकार आपका यूथ कांग्रेस, आपका सेवा दल सड़क पे उतर जाता था। भले उस वक्त के अकबर डंपी अहमद हो या तारिक अनवर हो, ये सब लोग सड़क पे आ जाते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। आज कांग्रेस को क्या हो गया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। निश्चित रूप से कांग्रेस संस्कार वाली पार्टी है और कांग्रेस ने हमेशा, चाहे आप श्रीमती इंदिरा गांधी का समय देखें, चाहे संजय गांधी का, उन्होंने कभी नहीं कहा लोगों से कि वो प्रदर्शन करें, लेकिन आज भी इसके अगेंस्ट में जगह जगह प्रदर्शन होता है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि एक मीडिया मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है जिस पर इन्होंने इतनी बड़ी धनराशि खर्च की, वो सारी खबरें नहीं आ पाती। आज भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ ये और इनके अध्यक्ष चंगू मंगू हैं। अगर वो कहते हैं कि माँ बेटे हैं तो ये भी चंगू मंगू है। चलिए, आपके मुताबिक कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं जनाब, 70 में से? मैं समझता हूँ कांग्रेस मुख्य संघर्ष में है और सीटों की स्थिति तो आने वाले 10 तारीख को ही मालूम पड़ेंगे। लेकिन मुझे ये मालूम है कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है। क्या बात! और ये दोनों लोग एक इस तरह का माहौल कर रहे हैं कि वोट डाइवर्ट हो और इलेक्शन 2 पार्टियों के बीच में हो, एक धरने वाले हैं, एक प्रवचन वाले हैं। इन दोनों को दिल्ली के लोगों ने देखा, एक ने 50 दिन का शासन देखा और 7 महीने का शासन देखा, वही 15 साल का श्रीमती शीला दीक्षित का शासन काल देखा, जिसके अंदर लोगों ने विकास के नए आयाम देखे। वर्ल्ड की सबसे अच्छी सिटी के रूप में दिल्ली जानी जाती है जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट यू। राइट, प्रदीप जी आप बताएं।
मैं आपसे आना चाहता हूँ, प्रदीप जैन जी नहीं, प्रदीप नामदार जी, आप बताएं। जहाँ तक के नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल अंधेरी रात में, काली रात में, काला धन, माँ बेटे की सरकार, आई मीन कम ऑन, ये मुझे नहीं लगता कि किसी प्रधानमंत्री को इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। एनीवे, दैट्स माय ओपिनियन। भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा है, अटल जी की शैली को देखा है, अटल जी की भाषा को देखा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की भाषा को देखा है, शैली को देखा है, आज आखिरकार ये हो क्या रहा है? सर, इट स्टार्टेड विद द कोर्ट। आपको याद होगा जब कोर्ट है तो यही प्रोग्राम में बहुत सारे आपको ईमेल्स भी आए, लोगों के जस्ट रिएक्शंस थे कि हाउ कैन द प्राइम मिनिस्टर वेयर दिस काइंड ऑफ अ कोर्ट, हाउ कैन ही हैव हिज नेम इनस्क्राइब्ड। दैट्स राइट। धीरे 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 हम देखा कि उन्होंने जब क्लैरिफिकेशन, 9.5 लाख रुपए की जैकेट, मतलब जब क्लैरिफिकेशन, नो बट इट हैपेंड, बट व्हेन इट हैपेंड, व्हेन ही हैज गिवन क्लैरिफिकेशन कि ये कोट कहां से आया, कौन गिफ्ट दिया, खर्चा क्या है और मैंने क्यों पहना, व्हेन दिस क्लैरिफिकेशन सामने आया, आई थिंक द एंटायर थिंग हैज गॉन, इट इज पीपल हैव फॉरगॉटन दैट एंड नाउ एंड आफ्टर द कनेक्ट विद द पीपल, जिस प्रकार से यमुना की सफाई, सीसीटीवीज, वुमन सेल्फ डिफेंस, स्मार्ट सिटी बनाना, कनेक्ट विद द दिल्ली के लोगों से, बीजेपी रूट्स, नॉट बीजेपी रूट्स, देयर इज अ वाइड चेंज। इनिशियली बिफोर वी फाइंड अ टोटली नॉन कोऑपरेटिव लोकल बीजेपी यूनिट टोटली डिफाइंड दैट दे विल नॉट गेट इनटू गेट इन्वॉल्व एंड देयर वी फाइंड दैट बहुत सारे आफ्टर पैराट्रूपिंग ऑफ ऑल दीस पीपल, ऑल द 140 odd मिनिस्टर्स, एमपीज, यू गॉट ऑल, तो उसके बाद तो चेंजेस हमने देखा, फिर कंट्रोवर्शियल एड्स के माध्यम से लोगों के मन में जो एक टोटली डिफरेंट विजन लेके आए एंड दे वर कंफ्यूज्ड एंड नाउ दे गोइंग द राइट पाथ। इफ यू सी, शुरुआत से आप देखोगे, अब द मार्जिन बिटवीन बोथ द पार्टीज हैव कम डाउन, वेयर द आम आदमी पार्टी वी वर डिस्कसिंग अ वीक बैक एंड टुडे यू फाइंड दैट द रेस हैज कम टू द इकोनॉमिक टाइम्स सेज देयर आर 9 सीट्स अहेड, हिंदुस्तान टाइम्स सेज देयर आर 10 सीट्स अहेड। प्रोफेसर अय्यर, see, I personally feel something different, a little different here. Please go ahead. I feel the entire fear that Kejriwal was becoming a very, very strong contender resulted in removing all your local contenders of BJP and bringing and parachuting Kiran Bedi into the game. Now, it was Aam Aadmi Party versus Aam Aadmi because Kiran Bedi is an ex-Aam Aadmi, and then there a lot of poaching because all the people who were deserters of the Aam Aadmi Party came into BJP, and before that Congressies have also come, like Krishna Tirath had come. Now after that, there was a feeling that there is a balance, because the balance came that 47% people wanted Kejriwal as the Prime Minister, Chief Minister in Delhi, and 44% of the people wanted Kiran Bedi. But now you see what has happened in the last few days. Suddenly Kiran Bedi is getting decimated, and it seems Modi's and own... And today she didn't even speak, from whatever I know. So slowly and steadily, and she has spoken in English, which was of no use to the Delhi public. So it seems, again, they come back to the old formula, Modi formula. So what it seems, initially they did not want to pit Modi against Kejriwal, but they were forced to pit Modi against Kejriwal. So I keep a different opinion. This looks to be never before now, I've in seen... In your opinion, who's winning? See, it is not a question of winning. This is the first Who time... Who is winning? See, I don't want to put this thing on there because... I would say definitely that right now Aam Aadmi Party has an edge. Pradeep, who's winning? Has an edge. Pradeep, who's winning? So you find that the big difference between them has closed down. Now it's really running close. And now another 2 days jo campaign BJP, because it could be a hung assembly. You can't say the 2 crore thing has not influenced the minds of the people of Delhi. It has certainly influenced the mind of people of Delhi. भले वो 2 crore हो या जो आपका बीजेपी और कांग्रेस नेवर हैड दिस थिंग अबाउट देमसेल्फ ऑफ रेटिंग रेजिंग द मॉरल लॉ हाउ मेनी आई हैव अ लिटिल डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस सी द 2 crore विल नॉट इंपैक्ट एट ऑल आई विल टेल यू व्हाई बिकॉज 2500 crores वर्थ ऑफ स्टफ वर्थ ऑफ कलेक्शन बीजेपी हैज टू एक्सप्लेन यस एंड ऑल्सो कांग्रेस अगर वो अपने गिरेबान में जाके लेकिन यहां पे प्रोफेसर अय्यर साहब दैट आल्सो हैज टू कम इनटू पिक्चर प्रोफेसर अय्यर साहब जो प्रदीप जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है एक तरीके से बिल्कुल सही है किसी शख्स ने अगर बिल्कुल सफेद चोगा पहना हो उसके ऊपर अगर एक भी काला दाग लगता है तो वो दिखता है जिनका चोगा ही काला हो उस पे जितने मर्जी काले दाग लगा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है नहीं नहीं मैं आपको इस पे काउंटर करना चाहता हूं जो जो भारतीय मैं आपकी बात मान रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिनकी आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को 2500 करोड़ का एक्सप्लेनेशन देना है 3000 करोड़ की टोटल कलेक्शन हुई है जिसमें 2500 करोड़ के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और पिछले 7 साल में 952 करोड़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बिल्कुल लेकिन ये तो बहुत पहले से है वो तो शुरू से आके बोल रहे हैं सबसे बड़ी बात यहां पर है ये पॉइंट मेरा कहना है कि अन्ना हजारे जब इस करप्शन एंटी करप्शन आंदोलन के अंदर गए थे और सबसे पहले बातें हुई थी ये पार्टीज को ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई थी
अब हम केवल नाउ इट ऑल डिपेंड्स आई विल टेल यू व्हाट व्हाट प्रदीप आई थिंक इज ट्राइंग टू से इज दैट एट द एंड ऑफ द डे वेयर द डिफरेंस बिटवीन द आम आदमी पार्टी एंड द भारतीय जनता पार्टी वाज ह्यूज इट वाज अ रियल वॉकओवर फॉर द आम आदमी पार्टी लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के आसपास कोई खड़ा नहीं हो पाएगा कोई टिक नहीं पाएगा यहां पर दे सीम टू हैव क्लोज द गैप by the heavy artillery that they have brought in. That's number one. Number two, now it depends entirely on the Aam Aadmi Party, how they use these allegations which are leveled against them. Because today they went to Supreme Court. They went to Supreme Court and said that a special investigation team Supreme Court will be made in the nigrani, which will be their funds, or Aam Aadmi Party's funds, भारतीय जनता पार्टी के फंड्स और कांग्रेस के फंड्स इन्वेस्टिगेट करें आखिरकार वो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं यहां पर ना कांग्रेस तैयार है और ना ही भारतीय जनता पार्टी तैयार है जी प्रोफेसर अय्यर इसके पहले आपको ख्याल रखना पड़ेगा जब केजरीवाल ने कॉन्स्टेंटली बोला किरण बेदी को कि आप बहस पे आइए तो केवल वो और कांग्रेस तैयार थे और बीजेपी को डर गई ये बात भी भूलना नहीं चाहिए और मैं आपको तीन इलेक्शन की बात कहता हूं महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुए आपको यह पता होगा कितनी बुरी तरह से बीजेपी ने कोशिश किया कि शिवसेना को दूर रखे लेकिन लास्ट में उनको शिवसेना के साथ जाना पड़ा जी और उसके बाद कह रहा हूं आज भी मोदी साहब एक गलत काम कर रहे हैं 14 फरवरी को वो शरद पवार के यहां जाएंगे इतना बड़ा काम करने के बाद आप शरद पवार प्रफुल्ल पटेल इनके आसपास दिखने वाले हैं करप्ट लोगों के पास तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं आज विन करने के बाद इसी को आपने नेचुरली करप्ट पार्टी बोला था the fact remains so what message they are talking about hang on as far as the Aam Aadmi Party is concerned the Aam Aadmi Party had set a standard for itself they said that we are completely and totally transparent We are completely and totally honest. Our integrity is beyond question, beyond reproach. Now, this question of these 2 crores, bhale jahan marzi se aaye ho, jisne recommend kiye, kya kiye, wo sab baat samne aayegi. Mera ye kehna, this is a huge opportunity for the Aam Aadmi Party to turn the entire thing around. This was a trap laid for them by all their friends within themselves. It all depends upon the skill of the Aam Aadmi Party think tank as to how they can turn this trap around. Sir, if you look at the entire thing, आप देखोगे किरण बेदी earlier with the India Against Corruption, जो उन पे दाग लगा था कि एक first class ticket के पैसे लेना और economic जो भी है, it was not a big thing, but it stuck and it was a big town, it was a rage all over the country just because Kiran Bedi had high standards of morality and ethics. So small blot also affected it and it was talk of the town. It wouldn't affect any other political leader. At the same time, आप जो तीस्ता सीता तेसलवाद की बात करो तीस्ता सेदलवाद यू टॉक अबाउट बाइंग कॉस्मेटिक्स एंड मेकअप्स आउट ऑफ द ट्रस्ट फंड्स इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस बट व्हेन यू सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ योरसेल्फ ऑफ हाई मॉरलिटी हाई एथिक्स इवन स्मॉल थिंग्स स्टिक एंड द पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट विद नॉर्मली दे डोंट टॉक अबाउट व्हाट यू आर रियली सेइंग दे डोंट टॉक अबाउट व्हाट यू आर रियली सेइंग इज दैट मिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड द आम आदमी पार्टी दे हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ द स्टैंडर्ड दे देमसेल्फ सेट इन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नोबडी बॉदर्स नोबडी केयर्स बिकॉज़ एवरीबॉडी नोस नाउ एज यू सेड इफ यू हैव एन ऑनलाइन वे ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स यू डोंट नो मटके वाले ने भेजा या तेल वाले ने भेजा व्हिच करप्ट कंपनी और व्हिच बायस कंपनी और चिट फंड बट आई कांट अंडरस्टैंड ऑल काइंड ऑफ फ्रॉडलेंट कंपनी सेंडिंग यू But then if you say that I have sent high standards, I will not take money from here, then you need to have a counter check and balance within your system to see kahan se funds aa raha. Nahin, main toh ek hi. Kal Daud ne agar 10 crore bhej diya, toh aap kaise bologe ki humare paas counter check aur system sab. Nahin, but Daud check mein nahin bhejega. Daud check mein nahin bhejega. Uske 1000 company hai, 1000 company ke maadham se bhejega. Nahin, wo check se nahin bhejega. Dekho. आप जो बात कह रहे हो आप जो बात कह रहे हो टॉकिंग अबाउट फ्रॉडलेंट कंपनीज एनी फ्रॉडलेंट कंपनी आपको कब पता चलेगा भाई मैंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पूछिए फ्रॉडलेंट कंपनी को रजिस्टर कैसे किया इफ यू सेट अप हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ आई डोंट एग्री विद इट यू नीड टू हैव अ काउंटर चेक एंड बैलेंस विद इन योर सिस्टम टू सी दैट यू डोंट फॉलो अप आई थिंक दिस इज माय आपने खुले छोड़ दिया तो आज आप बोलोगे बीजेपी वालों ने किया या कांग्रेस वालों ने दिस इज नॉट फेयर दिस इज लाइक दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर आई डोंट एग्री विद दिस आई हैव नेवर रिएक्टेड आई डू नॉट एग्री विद दिस आई थिंक दिस इज But politics is unfair. In politics, everybody hits below the belt. It is nasty. It is horrible. It's a game of backstabbers. After all, What are we looking at? I personally would prefer the Aam Aadmi Party to win. That's my own personal opinion. It's not just a preference. But that's my personal opinion. Shall I tell you why? Because at least they made an attempt to become transparent. यहाँ पर 2 crore Aam Aadmi Party के और 2500 crore भारतीय जनता पार्टी के. ये भी बोली जाए. ये बात नंबर एक, नंबर दो. पिछले 7 साल में 900
952 करोड़, बानवे नहीं, 952 करोड़। आपने आज तक एक्सप्लेन नहीं किया कि 952 करोड़ कहां से आए। बिल्कुल, पिछले चुनाव में हर जगह आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, आपका हर शख्स हेलीकॉप्टर से जा रहा है, हर जगह पे इतने बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं, हर जगह पे आपके इतने इश्तेहार छप रहे हैं, फ्रंट पेज पे हर अखबार के, हर टेलीविजन चैनल के ऊपर, यू हैव डन कार्पेट बॉम्बिंग एवरीवेयर। अनऑफिशियली, अनऑफिशियली 10,000 करोड़ मोदी साहब के इलेक्शन में खर्च हुए। एंड क्या बताया आपने कैसे खर्च हुए? एंड देयर इज नो अकाउंट येट। दोस 2 करोड़ ऑफ द आम आदमी पार्टी आर सो इंपॉर्टेंट, इट इज, आई टेल यू व्हाट इज लाइक एन इंडस्ट्रियलिस्ट और इट इज लाइक हर्षद मेहता कमिंग आउट ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड येलिंग एंड स्क्रीमिंग एट अ बेगर कि ये 2 रुपया तेरे, यू नो, तेरी थाली में कैसे आ गया ये 2 रुपया। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द आम आदमी पार्टी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है प्रोफेसर अय्यर साहब, जो प्रदीप बोल रहे हैं कि आखिरकार जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, विल द आम आदमी पार्टी बी एबल टू सेंड दिस मैसेज अक्रॉस टू एवरीबॉडी? दैट्स द होल पॉइंट। My answer. Yes. I was never an Aam Aadmi Party admirer or anything, but to be neutral to them, which is true for all of us. Yeah. Yes. But I am telling you today, ethically. Yes. And in all fashions, if somebody has given, I ask a counter question: why the registrar of companies could not find out that these companies were fraud? Yes. Why you are going and telling Kejriwal, who is receiving, who does not know anything, which company is there? He will receive the money if it is coming by check. And at the same time, if the person concerned is giving his PAN number, yes, and giving the CIN number, yes, yani company identification number और PAN number, yes, दोनों आपको मिल गया है, yes, और उसके personal account number और आपका CIN number और दूसरी, दोनों मिल चुका और है। दूसरी चीज, उन्होंने इसको अपनी वेबसाइट पे डाला, कोई आदमी पागल अपनी वेबसाइट पे डाले और फिर वेट करे, और इतने 6 महीने पहले 7 महीने पहले 9 महीने पहले तुम्हें पता था जी, तब आप तो बात नहीं कर रहे थे, ये स्पेसिफिकली इस समय क्यों लाया गया? और सबसे बड़ी बात प्रदीप यहां पर ये आती है, मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी बात यहां पर, चलिए आम आदमी पार्टी को छोड़िए, बाकी सबको छोड़िए, आज निर्मला सीतारमन जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, इंचार्ज ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बिल्कुल, ही इज ओनली लेवलिंग एलिगेशंस। अरे भाई इन्वेस्टिगेशन करवाइए, अरेस्ट केजरीवाल, बिल्कुल, मेरा ये कहना है व्हाई आर यू नॉट अरेस्टिंग केजरीवाल? प्रदीप, एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, we are in love with Aam Aadmi Party, we all wanted to win, we all wanted to really, I'm very clear, I never said that, because frankly speaking there's no alternative to Modi right now, there's no opposition, Congress is nowhere, Congress there's is no finished. Other person. So, you heard Pradeep Jain, मेरा ये कहना है प्रदीप जैन जी, मतलब इतनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि भाई मैंने, हमें अभी तक याद है इंदिरा जी के खिलाफ अगर कोई उंगली भी उठा देता था, कुछ भी बोल देता था, आगे अगले दिन यूथ कांग्रेस के लोग, सेवा दल के लोग आ जाते थे घेराव करने के लिए। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी मां बेटा करे जा रहे हैं, कोई चू तक नहीं कर रहा है। प्रदीप, दे हैव नॉट गॉन ओवर द हैंगओवर ऑफ रूलिंग दिस कंट्री फॉर मोर देन यू नो सेंटर मोर देन 50 इयर्स। यस यस, एंड जो हारने का जो हैंगओवर, जो बीइंग इन पावर, द हैंगओवर स्टिल नॉट गॉन, they are not ready to face lathis, pichle 10 saal center mein nahi kiye, they've all gone soft, 15 saal they have gone soft, right, police ke dande se darte hain, lathi se darte hain, andolan se darte hain, to aise log, it's very difficult to come out of the hangover, and various senior leaders of the Congress held in very high corruption cases, that also is affecting their movement forward. The point is, as we say, we all want Aam Aadmi to win, but the recent जो मार्जिन्स अब जिस प्रकार से कम हो रहे, दैट्स अ रियलिटी व्हिच वी ऑल हैव टू, एंड एज यू सेड, हिटिंग बिलो द बेल्ट व्हेन द इलेक्शन इज एब्सोल्युटली क्लोज, बिकॉज़ दे वांट टू हाईलाइट टू द पीपल, बिकॉज़ आई एम श्योर देयर विल बी समथिंग मोर टुमारो, आई कैन अश्योर यू देयर विल बी समथिंग मोर टुमारो, एग्जैक्टली, द नेक्स्ट 2 डेज कैंपेन ऑफ द बीजेपी विल बी अगेन सरप्राइजिंग, नाउ वी फाइंड दैट फर्स्ट एवरीबॉडी वाज फॉलोइंग केजरीवाल, now everybody is following what BJP is doing, or what Awam is doing, something called Awam. Yeah, who knows Awam? So aaj Modi ne kya bola, aaj kya Awam hai, and the best part is, and this entire thing, either you can call it the best part if you look at it with a sense of humor, or you can call it the most tragic part if you really are concerned about the politics of the country and how Delhi is going to be governed. Everyone has forgotten Kiran Bedi. That is right. Kiran Bedi is forgotten. That is right. And BJP that itself realizes that the more chances is when Kiran Bedi keeps her mouth shut. And probably just prakar se unhone kaha ki voice rest or compulsory voice rest just prakar se enforce kiya, that definitely working towards BJP's advantage. And new campaign is definitely changing the minds of the people of Delhi. लेकिन प्रदीप जी मेरा ये कहना है, और प्रोफेसर अय्यर साहब मेरा ये कहना है, मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख करके कि पिछले 33 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ, ना जाने कितनी इलेक्शन मैंने कवर करी हैं, आज तक इतनी गाली गलौच वाली इलेक्शन मैंने कभी कवर नहीं की है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से इतनी गाली आती हुई हैं।
वो भी प्रधानमंत्री के लेवल से आई हैं। साध्वी जी क्या क्या कह रही हैं? वो एक 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 जो उनके बदायूं से जो जनाब जो सॉरी बढ़ाना से जो एमपी हैं वो केजरीवाल जी के लिए क्या शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, और कोई उनको बंदर बुला रहा है, कोई उनको चोर बुला रहा है, कोई उनको ना जाने क्या क्या बुला रहा है। सबसे बेकार तो इनके जो एडवर्टीजमेंट जो डाला है जिसमें इनके गोत्र का मेंशन किया गया है। अब मेरा ये कहना है कि मेरे को कहना है कि सियोमोटो अरेस्ट वारंट निकालना चाहिए था उसके ऊपर। नहीं, वो क्वेश्चन ऑफ आम आदमी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द डर्टी लैंग्वेज यूज देयर, उपद्रवी गोत्र। मैं कहता हूं कि इसके लिए अगर मैं वहां पर पावर होता तो मैं जरूर अरेस्ट वारंट उस आदमी पे निकालता जिसने बीजेपी के यहां से ये बात शब्द यूज किए। ये किसी के लिए डिरोगेटरी स्टेटमेंट, इस देश में स्पेड को स्पेड कहना, और मोदी साहब को खुद उस आदमी को उठा के पार्टी से फेंकना चाहिए। दे शुड आइडेंटिफाई दैट फेलो हु हैज डन दिस। बट मिस्टर मोदी, आई एम सो सॉरी प्रोफेसर अय्यर, मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज नॉट इवन कंडेम्ड द स्टेटमेंट फ्रॉम साक्षी महाराज अबाउट अ टेम्पल टू नथुराम गोडसे। किसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं, यहां तक नरेंद्र मोदी नथुराम नथुराम गोडसे इस देश का पहला आतंकवादी था, याद रखना आप। लेकिन नथुराम गोडसे के लिए मंदिर बनाने की बात साक्षी महाराज करते हैं और उसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आता, तो आप किस प्रकार से अपेक्षा रख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस, मैं तो यहाँ सर्टिफिकेट आप ऑल चैनल में देके जा रहा हूँ कि नथुराम गोडसे इंडिया का फर्स्ट टेररिस्ट, पॉलिटिक्स अल्टीमेटली फर्स्ट आतंकवादी। पॉलिटिक्स अल्टीमेटली इज बिजनेस, पॉलिटिक्स इज प्योर बिजनेस एंड यू हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल अबाउट इट। BJP, you have to compliment whatever they have managed to change the mindset of the electorate of Delhi, which was totally... In my personal opinion, I think it will be either way. I think it will be either the Aam Aadmi Party, which gets 42 seats and the BJP will get 25, or it will be Aam Aadmi Party with 25 and the Bharatiya Janata Party with 42, with two or three left to the Congress. That's my opinion. At the moment, I think the Aam Aadmi Party is slightly ahead. The margins of victory, very frankly speaking, in all constituencies, will be very very low. याद रखें सिर्फ 70 सीटें हैं पूरी दिल्ली में, और जहां तक के विक्ट्री मार्जिन है वो हो सकता है 1000 का हो, 2000 का हो, 500 का हो, 100 का हो, हो सकता है कि डबल डिजिट में भी हो सकता है, 20 या 30 के बीच में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बिकॉज आई टेल यू व्हाट, एज फार एज आम आदमी पार्टी इज कंसर्न, स्लम में, पिछड़े हुए वर्गों में, लोअर मिडिल क्लास में आज भी आम आदमी पार्टी का उतना ही वर्चस्व है। जहां तक के अपर मिडिल क्लास का प्रश्न है, बिजनेस क्लास का प्रश्न है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। नाउ वहां पर मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का नाउ हु इज एबल टू ग्रैब व्हाटएवर फ्रॉम आइदर साइड, इट विल बी अ टच एंड गो सिचुएशन। जस्ट अ स्मॉल स्विंग ऑफ 1% हियर और देयर विल डिटरमाइन हु विल विन दिल्ली। राइट, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू इन टुनाइट्स इनसाइड स्टोरी। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू प्रोफेसर अय्यर, ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। Pradeep and I, of course, will be back tomorrow right here on this channel. In the meantime, please do keep sending in your emails on insidestory@lemonnews.com. And, of course, you can send us your SMSs on 56767. Aap Lemon News type karein, apna naam type karein, apne share ka naam type karein, jahan par aap hume dekh rahe hain, aur 56767 par aap bheje apne SMS. And as far as we are concerned, we'll, of course, be back over here tomorrow at the same time. Till then, bye-bye.